अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। दुआ को जो ड्रेस बहन की शादी के लिए पसंद आती है वो 80,000 की होती है। अब सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि इतनी महंगी ड्रेस शादी पर लेनी है, लेकिन दुआ को किस चीज़ की कमी है। नौशिरवान जो कि दुआ का पीछा कर रहा है, वो दुआ को यही वाली ड्रेस ले ही देता है किसी न किसी तरीके से। दुआ की बहन की शादी तो हो रही है सरफराज से, लेकिन सरफराज ने अभी तक दुआ को ये नहीं बताया कि मेरी शादी हो रही है, बल्कि हमेशा यही कहता है कि घर वाले शादी की बहुत जल्दी कर रहे हैं, तुम मुझसे मिलो। जबकि दुआ ने कहा कि मेरी बहन की शादी है, उसके बाद मिलूंगी, लेकिन सरफराज इस बात पे बजिद है कि नहीं, तुम मुझसे अभी ही मिलो। तो दुआ भी इस बात के लिए मान जाती है। यहाँ नौशिरवान दुआ की एक झलक देखने के लिए दुआ के घर के बाहर खड़ा है, और आखिर उसकी वो मुराद पूरी हो ही जाती है। दुआ जैसे ही बाहर देखती है तो बाहर नौशिरवान होता है, लेकिन दुआ नौशिरवान को देख नहीं रही, बट नौशिरवान तो देख रहा है ना। सरफराज के बहुत ही ज़्यादा इसरार पर दुआ सरफराज से मिलने जाती है, तो जाते ही रूम का दरवाज़ा बंद करके खुद जाना शुरू कर देता है। दुआ घबरा जाती है, और जब कहती है कि आप रूम क्यों बंद कर रहे हैं, तो कहता है कि तुम्हें अम्मी से मिलवाना है, और ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि अम्मी सीधे दरवाजे में अंदर आ जाएं। सरप्राइज़ भी कोई चीज़ होती है, मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाह रहा हूँ, इसीलिए तुम अंदर ही रहो और मैं अम्मी को लेके आ रहा हूँ। सरफराज के इरादे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, तो क्या दुआ सरफराज के इरादों को भांप लेगी और अपनी इज़्ज़त बचा लेगी, या सरफराज के हाथों अपनी इज्जत की बलि चढ़वा देगी। ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।